नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनारी। यूपी की योगी सरकार से इस्तीफा दे चुके मंत्री दिनेश खटीक आज यानी गुरुवार को सीएम योगी से मिलने पहुंचे। इस मुलाकात के बाद खटीक का कोई बयान तो सामने नहीं आया, लेकिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस पर सफाई दी है। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री दिनेश खटीक इस्तीफा देने के अगले दिन गुरुवार को सीएम योगी से मिलने पहुंचे। इस मुलाकात के बाद खटीक का अब तक कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस मुलाकात के बाद कहा कि कोई इस्तीफा नहीं हुआ है। बता दें कि योगी सरकार में जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने दलित होने के नाते भेदभाव होने की बात कहकर इस्तीफा दिया था, और इसी बीच उनका एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें दावा किया गया कि उन्होंने अपना इस्तीफा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भेजा। सोशल मीडिया पर वायरल इस खत के अनुसार दिनेश खटीक ने पत्र में इस्तीफे का जिक्र करा है कि अफसर उन्हें तवज्जो नहीं देते और विभाग के उनके दलित होने की वजह से उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है और उनका सम्मान नहीं होता। हालांकि खटीक ने कल मेरठ में पत्रकारों से केवल इतना ही कहा था कि सब ठीक है। सोशल मीडिया पर वायरल पत्र के मुताबिक जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने आरोप लगाया कि दलित होने की वजह से विभाग में उनकी कोई सुनवाई नहीं होती और न ही किसी की चीज की सूचना उन्हें दी जाती है। उन्होंने सिंचाई के प्रमुख सचिव अनिल गर्ग पर आरोप लगाया कि उन्होंने उनकी बात सुने बगैर फोन काट दिया और दलित होने की वजह से उनका अपमान किया। उन्होंने कहा, मैं एक दलित जाति का मंत्री हूं, इसलिए विभाग में मेरे साथ बहुत भेदभाव किया जा रहा है। मेरे लिखे पत्रों पर कोई एक्शन नहीं होता, मुझे विभाग में कोई अधिकार नहीं दिया गया है। मंत्री पद से इस्तीफा देकर खलबली मचाने वाले जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक गुरुवार की शाम सीएम योगी से मिलने पहुंचे। दिनेश के सीएम आवास पहुंचने के बाद जल शक्ति विभाग के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह सीएम आवास पर बुलाए गए। मुलाकात के बाद दिनेश खटीक ने कहा कि उन्होंने अपनी बातें सीएम योगी के सामने रख दी है। ये भी कहा गया है कि जैसे काम करते हैं वैसे ही करते रहेंगे। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूँ। मैं लोगों के बीच रहता हूँ, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूँ। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूँ। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूँ। ना कोई दौड़ ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।